हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने स्पेसिफिकली इफेक्ट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसका हमने लास्ट लेक्चर में सिक्स्थ चैप्टर तक जो था हमारा सेक्शन 35 था वहां तक कवर कर लिया था। तो आज हम इन दिस लेक्चर वी टॉक अबाउट इंजंक्शन, कि हम इंजंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो क्या है चैप्टर 7 पार्ट 3 में दिया गया है। राइट, ये क्या है, ये जो चैप्टर रहता है ये प्रीलिमिनरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड मेंस के लिए भी, क्योंकि हमें पता है कि जो इंजंक्शन है टू टाइप्स की होती है, एक टेम्परेरी होती है, एक परमानेंट या परपेचुअल भी बोलते हैं। और जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो सीपीसी के साथ इंटरलिंक चलती है, तो जहां पर भी इंटरलिंकिंग आएगी एक बात ध्यान में रखना हो, वहां पर कन्फ्यूजन होगी, और कन्फ्यूजन होगी तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली मेंस पर्सपेक्टिव के लिए जरूर बनेगा। ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव के लिए वो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या है सेक्शन 36, प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, कि जो प्रिवेंटिव रिलीफ है वो कैसे ग्रांट किया जाता है। इसे करने से पहले सबसे पहले हम क्या है एक चार्ट बनाते हैं, और चार्ट बनाकर हम क्या है देखते हैं कि जो इंजंक्शन है वो कितने टाइप की होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है इंजंक्शन, इंजंक्शन राइट। अब सबसे पहले इंजंक्शन में क्या करेंगे, इसकी काइंड्स करेंगे, सबसे पहले क्या है इसकी काइंड्स करेंगे। अब जो इंजंक्शन है उसकी काइंड्स क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव इंजंक्शन सॉरी प्रिवेंटिव इंजंक्शन, और दूसरा जो है हमारा मैंडेटरी इंजंक्शन, दूसरा हमारा क्या है मैंडेटरी इंजंक्शन राइट। तो इंजंक्शन की क्या काइंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे काइंड्स। अब काइंड्स में क्या है प्रिवेंटिव, जिसे हम क्या है प्रोहिबिटरी भी इंजंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसे प्रिवेंटिव और प्रोहिबिटरी इंजंक्शन भी बोल देते हैं, और जो दूसरी है वो है मैंडेटरी। अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो भी आगे टू टाइप्स की है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो भी आगे क्या टू टाइप्स की होती है, टेम्परेरी इंजंक्शन जिसे सीपीसी डील करता है, और परपेचुअल, ठीक है परपेचुअल राइट है। ठीक है, तो इंजंक्शन क्या है, अगर इंजंक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसमें काइंड्स की बात करेंगे, और काइंड्स कितनी होती है टू टाइप्स की, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कि रोकता है, प्रिवेंटिव का मतलब क्या है रोकता है, तो इसका मतलब क्या है जे हुई नेगेटिव सॉरी इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये क्या है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये रोकता है, ये किसे कोई काम करने से रोकता है, मीन्स नेगेटिव। और अगर मैंडेटरी इंजेक्शन की बात करें तो ये क्या है ये पॉजिटिव होती है, ये क्या है ये पॉजिटिव होती है, और इसके लिए हमारे पास सेक्शन 39 अवेलेबल है, कि सेक्शन जो हमारा 39 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसमें हम पढ़ेंगे कि मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है। राइट, सबसे पहले क्या है इंजंक्शन है, इंजंक्शन के काइंड्स टू है, प्रोहिबिटरी जिसे हम ऑब्लिगेटरी भी सॉरी प्रोहिबिटरी भी बोलते हैं, प्रोहिबिशन राइट, उसके बाद आ गया मैंडेटरी। अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है राइट, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो भी आगे टू टाइप्स की है, टेम्परेरी है परपेचुअल है, टेम्परेरी जिसे सीपीसी गवर्न करता है, परपेचुअल है जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है गवर्न करता है राइट।
टेम्परेरी इंजंक्शन को कौन गवर्न करता है? सीपीसी। एंड जो परपेचुअल इंजंक्शन है उसे गवर्न करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है जहां तक आपको समझ आया होगा कि इंजंक्शन क्या है। पहले सबसे पहले क्या है इसकी काइंड्स, सबसे पहले क्या है काइंड्स। काइंड्स टू टाइप का है, प्रिवेंटिव इंजंक्शन, प्रिवेंटिव इंजंक्शन जैसे हम क्या प्रिहिबिटरी भी बोल देते हैं, प्रिवेंटिव और प्रिहिबिटरी इंजंक्शन। ठीक है जी, जो आगे टू टाइप्स की है, टेम्परेरी जिसे सीपीसी डील करती है ऑर्डर 39, और परपेचुअल जो परमानेंट होती है जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट गवर्न करता है। देन उसके बाद है मैंडेटरी इंजंक्शन जो पॉजिटिव होती है, जो क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो इसके लिए हमारे पास जो सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है। अब आगे चलते हैं, राइट अब आगे देखते हैं कि जो कंपनसेशन इन लियू और इन एडिशन ऑफ इंजंक्शन, राइट आगे क्या है कंपनसेशन, कि कंपनसेशन लेनी इन लियू और इन एडिशन किसके, टू इंजंक्शन की। इंजंक्शन तो लेना ही है कोर्ट से, इंजंक्शन तो लेना है उसके साथ इन लियू इन एडिशन क्या करना है कंपनसेशन की भी मांग करनी है। ठीक है जी, कंपनसेशन इन लियू इन एडिशन टू इंजंक्शन, इसके लिए हमारे पास है सेक्शन 40। इसके लिए हमारे पास सेक्शन कौन सा है 40, हमारे पास सेक्शन है कंपनसेशन के। हमने कंपनसेशन क्लेम करनी इन लियू इन एडिशन टू इंजंक्शन। इंजंक्शन जो टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, जो प्रिवेंटिव और प्रिहिबिटरी है, और मैंडेटरी इंजंक्शन, राइट। तो जो प्रिवेंटिव एंड प्रिहिबिटरी है वो भी आगे टू टाइप्स के, टेम्परेरी और परमानेंट परपेचुअल हो सकती है, राइट। कंपनसेशन लेना है इन लियू और इन एडिशन टू इंजंक्शन, राइट। अब ये तो कुछ था कि जहां पर क्या है, हमने इंजंक्शन के बारे में बात करेंगे कि इंजंक्शन क्या है, कहां पर इंजंक्शन मिलेगी, लेकिन उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कहां पर जो है इंजंक्शन को ग्रांट की सॉरी रिफ्यूज किया जाएगा, कि कहां पर जो इंजंक्शन को है रिफ्यूज किया जाएगा, इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जो इंजंक्शन है व्हेन रिफ्यूज, कब जो है इंजंक्शन कोर्ट नहीं देगा, कोर्ट क्या करेगा इसे रिफ्यूज कर देगा, और इसके लिए हमारे पास क्या है सेक्शन 41 है। इसके लिए हमारे पास क्या है सेक्शन 41 है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इंजंक्शन, इंजंक्शन में हम क्या करेंगे काइंड्स करेंगे, इंजंक्शन में हम क्या करेंगे काइंड्स करेंगे। इसके काइंड कितने, टू काइंड्स है, प्रिवेंटिव और प्रिहिबिटरी इंजंक्शन, एंड जो है मैंडेटरी इंजंक्शन। जो प्रिवेंटिव और प्रिहिबिटरी इंजंक्शन है वो भी आगे टू टाइप्स की है, टेम्परेरी है, परपेचुअल है। टेम्परेरी जिसे सीपीसी गवर्न करता है ऑर्डर 39, और परपेचुअल इंजंक्शन है जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट गवर्न करता है, राइट। उसके साथ जब हमने इंजंक्शन हो गया, देन हम क्या है कंपनसेशन की मांग करेंगे इन लियू और इन एडिशन टू इंजंक्शन, कि इंजंक्शन के एडिशन और इन लियू, राइट। ये तो था कब हमने इंजंक्शन मिलेगी, उसके साथ हमने कंपनसेशन लेना, उसके लिए हमारे पास आ गया सेक्शन 40। कब इंजंक्शन को रिफ्यूज करना है उसके लिए हमारे पास है सेक्शन 41, कि उसके लिए हमारे पास कौन सा सेक्शन है 41 दिया गया है। अब हम वापस वेयर एक्ट के ऊपर चलते हैं और उसकी लैंग्वेज देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले है प्रिवेंटिव रिलीफ। अब प्रिवेंटिव रिलीफ जैसे आपको पता है कि ये टू टाइप्स का हो सकती है, प्रिवेंटिव प्रिहिबिटरी भी हो सकती है। ये क्या है टू टाइप्स की है, टू टाइप्स परपेचुअल और टेम्परेरी, राइट। प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट कहां पर, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, की कोर्ट की डिस्क्रिशन है। जैसे हमने इनिशियल लेक्चर में किया था कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये एक डिस्क्रिशनरी एक्ट है कोर्ट की, अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन, अगर कोर्ट को
लगता होगा कि जहां पर इंजंक्शन देना नेसेसरी है देन कोर्ट डेफिनेटली वहां पर इंजंक्शन ग्रांट करेगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने क्लेम किया और क्या है इंजंक्शन मिल गया, ऐसा नहीं है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, राइट। तो प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन, जो क्या है टेम्परेरी और परपेचुअल, मीन्स की जो टेम्परेरी भी हो सकती है और परपेचुअल भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं जो हमारा है सेक्शन 37, टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन आर सच एज आर टू कंटिन्यू, कब तक रहेगी, अंटिल ए स्पेसिफिक टाइम और अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड दे मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ सूट एंड रेगुलेटिंग बाय सीपीसी, और इसे हम करेंगे ऑर्डर 39 के साथ, पढ़ेंगे सीपीसी के साथ, राइट। ए परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली ग्रांटेड बाय द डिक्री, कैसे होगी, बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट डिफेंडेड इज देयर वर परपेचुअल एंजॉइंड फ्रॉम द असर्शन ऑफ द राइट और फ्रॉम द कमीशन ऑफ द एक्ट विच वुड बी कॉन्ट्रेरी टू द राइट ऑफ द प्लेंटिव। अब इसे करने से पहले हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज इंजंक्शन, इंजंक्शन क्या है, सबसे पहले हमें क्या है ये पता होना चाहिए व्हाट इज इंजंक्शन, कि इंजंक्शन है क्या, राइट। हमें ये तो पता होना चाहिए इंजंक्शन क्या है और कहां पर इसे डिफाइन किया गया है, कहां पर इसे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इंजंक्शन, राइट। उसके बाद फिर हम जो सेक्शन 37 में एक डिफरेंस क्रिएट किया है टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजंक्शन में उसके ऊपर आएंगे, पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है व्हाट इज इंजंक्शन। अगर मैं इंजंक्शन की बात करूं तो जो एक्सप्रेशन इंजंक्शन है जे कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, जे कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, ना तो इंडियन लॉ में जे कहीं डिफाइन है और ना ही ये इंग्लिश लॉ में कहीं पर डिफाइन है, ठीक है। जो एक्सप्रेशन इंजंक्शन है, ठीक है, जो एक्सप्रेशन इंजंक्शन है नाइदर डिफाइन इन इंडियन लॉ नॉर इन इंग्लिश लॉ, ना तो इंग्लिश लॉ में कहीं पर ये डिफाइन है तो ना ही ये क्या है इंडियन लॉ में डिफाइन है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि फिर इंजंक्शन है क्या, ठीक है, ना तो कहीं पर इंग्लिश लॉ में डिफाइन है, राइट, ना ही इंडियन लॉ में डिफाइन है, तो फिर इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इंजंक्शन। अगर मैं इंजंक्शन की बात करूं तो इंजंक्शन क्या है कि एन इंजंक्शन मे बी ऑर्डर, कि इंजंक्शन क्या है एक ऑर्डर है, इंजंक्शन क्या है एक ऑर्डर है और डायरेक्शन है किसके, बाय द कोर्ट, बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, के एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर और एक डायरेक्शन है किसे, टू द पार्टी, राइट। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है जो आप इस तरह भी लिख सकते हो, दा जो वर्ड है इंजंक्शन, हैज नॉट बीन डिफाइन नाइदर इंडियन लॉ नॉर इंग्लिश लॉ, ना तो जे इंडियन लॉ में कहीं पर डिफाइन है और ना ही इंग्लिश लॉ में कहीं पर डिफाइन है, तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑर्डर है, ये क्या है ऑर्डर है और ऑर्डर भी किसका है कॉम्पिटेंट कोर्ट का, ऑर्डर और डायरेक्शन है, ये क्या है ऑर्डर और डायरेक्शन
और वो भी किसके द्वारा है, बाय द कंपिटेंट कोर्ट, कि कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर और डायरेक्शन है किसे, टू द पार्टी, कि पार्टी को ऑर्डर और डायरेक्शन दी गई है बाय किसके द्वारा, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा, जो क्या है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर और डायरेक्शन दी गई। तो मुझे उम्मीद है अब जहां तक आपको समझ आया होगा कि इंजंक्शन क्या है, कि जो एक्सप्रेशन इंजंक्शन है वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं हुआ। और उसके बाद अगर हमने इसे समझना इंजंक्शन क्या है, तो ये एक ऑर्डर और डायरेक्शन है बाय कंपिटेंट कोर्ट किसे, टू द पार्टी, राइट, टू द पार्टी। अब हम वापस चलते हैं वीवर एक्ट की लैंग्वेज के ऊपर, जो हमारा है सेक्शन 37, उसके ऊपर बात करते हैं। प्लीज 1 सेकंड का टाइम देना ही। अब बात करते हैं सेक्शन हमारा है जो 37 है, उसके ऊपर बात करते हैं, राइट। अब क्या है टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन आर सच एज आर कॉन्टिन्यू अंटिल ए स्पेसिफिक टाइम। अब बात है टाइम पीरियड की। अब बात क्या है टाइम पीरियड की, जो टेम्परेरी इंजंक्शन है इसके लिए हम क्या है एक लाइन लगा लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, टेम्परेरी, और एक साइड रखते हैं परपेचुअल। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले क्या है कि ये टाइम जो फर्स्ट लाइन है सेक्शन की, फर्स्ट लाइन क्या है उसके ऊपर चलते हैं। टाइम पीरियड की बात बताई गई है, ठीक है, द टेम्परेरी इंजंक्शन आर सच एज आर द कॉन्टिन्यू अंटिल स्पेसिफिक टाइम और फर्दर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो कब तक वैलिड रहेगी, उसकी टाइम पीरियड कितना है, तो वो है अंटिल ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जब तक कोर्ट का ऑर्डर है, और फर्दर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है, जहां दो अंटिल स्पेसिफिक टाइम आप लिख सकते हो, जहां पर अंटिल, हाँ, कि स्पेसिफिक, अंटिल स्पेसिफिक पीरियड और फर्दर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि जब तक कोर्ट का क्या है ऑर्डर है तब तक क्या है जो टेम्परेरी इंजंक्शन रहेगी। पर अब परपेचुअल इंजंक्शन कब तक रहेगी, जो परपेचुअल इंजंक्शन होती है ये होती है फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल टाइम के लिए होती है। इसका कारण क्या है, अब आपसे फिर वेयर एक्ट की लैंग्वेज के ऊपर चलते हैं। आगे है दे मे बी ग्रांटेड कहां पर, एट एनी स्टेज ऑफ सूट, मीन्स की ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, ये कब होती है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, की जब सूट पेंडिंग है तब ये फाइल होगी, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, राइट, कब ये फाइल होगी, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट। तो अगर इसके साथ ही पॉइंट है, अगर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट है तो इसका मतलब क्या है, ये मेरिट्स के ऊपर नहीं है, क्योंकि मेरिट्स तो तब होगी अगर फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन तो जहां पर है नहीं है, जहां पर क्या है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट है, क्या है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट है। तो इसके साथ ही एक और पॉइंट आ गया कि इट इज नॉट ऑन मेरिट्स, कि जो मेरिट्स के ऊपर नहीं है, क्योंकि मेरिट्स के ऊपर नहीं होगी क्योंकि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट है। तो जो परपेचुअल है वो कब हो गई, एट द फाइनल डिसीजन, जब फाइनल डिसीजन होगा सूट का। और जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो क्या है, इट इज ऑन मेरिट्स, कि मेरिट्स के ऊपर होगा। अब इसके साथ ही एक और पॉइंट है, क्या रेस जुडिकेट एप्लीकेबल होगा,
क्या रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा? रेस जुडिका ले क्या चाहिए कि सूट मेरिट्स के ऊपर क्या होना है डिसाइड होना चाहिए। तो जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वहां पर तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट है, तो टेम्परेरी इंजंक्शन में क्या है? रेस जुडिकाटा नॉट एप्लीकेबल, और जो परपेचुअल है वो तो मेरिट्स के ऊपर है, तो वहां पर क्या है? रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल, वहां पर रेस जुडिकाटा क्या है वो एप्लीकेबल होगा, राइट right? वहां पर क्या है? रेस जुडिकाटा क्या है? एप्लीकेबल होगा। अब वापस से चलते हैं वेयर एक्ट की लैंग्वेज के ऊपर। एन परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड बाय द डिक्री। अब इंपॉर्टेंट क्या है? बाय द डिक्री, और जहां पर क्या है? एट एनी स्टेज ऑफ सूट, मींस कि जहां पर तो क्या था कि वो सूट की फॉर्म में भी हो सकती है जो टेम्परेरी इंजंक्शन है, राइट? जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो क्या है? वो सूट की फॉर्म में भी हो सकती है और एप्लीकेशन की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है? वो सूट की फॉर्म में भी हो सकती है और एप्लीकेशन की फॉर्म में भी हो सकती है। अब टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है? इन फॉर्म ऑफ सूट और एप्लीकेशन। और जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो कैसे होगी? इन फॉर्म ऑफ डिक्री। वो कैसे होगी? इन फॉर्म ऑफ डिक्री, क्योंकि डिक्री की फॉर्म में वो होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चलता है वो है गाइडिंग प्रिंसिपल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल। अब गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है उसे कौन गाइड करता है कि किन पॉइंट्स ऊपर जो टेम्परेरी इंजंक्शन हो सकती है और परपेचुअल इंजंक्शन हो सकती है। अगर तो टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करूं तो इसके बेसिकली थ्री गाइडिंग प्रिंसिपल रहते हैं। पहला है प्रेमा फिसाई, क्योंकि जो केस है वो प्रेमा फिसाई होना चाहिए, क्योंकि मेरिट्स के ऊपर तो वो होता नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट है, इसलिए वो क्या होना चाहिए? प्रेमा फिसाई होना चाहिए ऑन द फेस ऑफ इट, की उसके देखने से लगता हो कि हाँ जहां पर क्या है? टेम्परेरी इंजंक्शन रिक्वायर्ड है। प्रेमा फिसाई केस, क्यों? जो एप्लीकेशन है वो सूट है, क्योंकि टेम्परेरी इंजंक्शन में सूट और एप्लीकेशन की फॉर्म में टेम्परेरी इंजंक्शन हो सकती है, सो इसलिए वो क्या है? प्रेमा फिसाई होना चाहिए। उसके बाद क्या है? इररिपेरेबल, इरिपेयरेबल लॉसेस और इंजरी, कि अगर वहां पर टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं हुई तो ऐसे लॉसेस हो जाएंगी, ऐसी इंजरी हो जाएगी जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, ठीक है? जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या है? इरिपेयरेबल लॉसेस और इंजरी। एंड थर्ड है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, जो तकड़ी भी जिसे हम बोलते हैं, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, कि जिसकी फेवर में ज्यादा वेट होगा, राइट, तो उसकी तरफ केस जो है झुका होगा, वो क्या है? कोर्ट उसे ग्रांट कर देगी टेम्परेरी इंजंक्शन, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। सो ये थ्री गाइडिंग प्रिंसिपल है टेम्परेरी इंजंक्शन के। प्रेमा फिसाई होना चाहिए, इरिपेयरेबल लॉस और इंजरी होनी चाहिए, एंड उसके साथ क्या है? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। और अगर परपेचुअल के गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करूं तो ये बताए हैं सेक्शन 38 सब सेक्शन 3 में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारा सेक्शन 38 है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है अब आपको जो एक टेम्परेरी जो सॉरी इंजंक्शन का एक टॉपिक है जो बेस है वो समझ आया होगा कि इंजंक्शन क्या है, राइट? अगर इंजंक्शन के काइंड्स की बात करूं तो टू टाइप्स है, जिसमें कौन सी आएगी? एक तो जिसमें आ जाएगा प्रिवेंटिव, एंड उसके साथ आएगा मंडेटरी। प्रिवेंटिव में आगे दो हैं, टेम्परेरी है, परपेचुअल है। टेम्परेरी हमने कर लिया है, परपेचुअल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि जो टेम्परेरी है वो सीपीसी के साथ चलता है, राइट? उसके बाद फिर मंडेटरी इंजंक्शन देखेंगे, एंड उसके साथ जो हमारा सेक्शन 40 आएगा कि इन लियो और इन एडिशन जो है कंपनसेशन के लिए, राइट? अब क्या है, सेक्शन 38 में परपेचुअल है, सेक्शन 39 में मंडेटरी है, एंड 40 में कंपनसेशन है इन लियो और इन एडिशन, एंड 41 में कब जो है जो इंजंक्शन उसे रिफ्यूज
कर सकती है कोर्ट, उसके बारे में बात की गई है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे उसे करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, क्योंकि जैसे हमें पता है कि अब हरियाणा का पेपर आ गया है, तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे कि जो क्या है कि इंस्टीट्यूट से जो स्टडी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर फ्री में कुछ मिल रहा है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अच्छा लगे तो कमेंट एंड लाइक भी जरूर करना। थैंक यू।